हाँ जी मंत्री साहब, लोग सभा चोणों का बिगल वज चुका, सो कितना की तैयारी तुहाडी? चोणों का जिवें तुसीं दस्सिया बिगल वज चुका है और साडी पूरी तैयारी आ। अच्छा, ई टी ओ साहब, जी अपने केजरीवाल साहब की जी गिरफ्तारी हुई है, सो वो गिरफ्तारी नूं किवें देखदे तुसीं सर? देखो, ये सारी पोलिटिकल गेम आ, सियासी गेम आ। जिस केस दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, वो दो साल पहला का केस चली जाता है। तो जे अज डर कोई मोदी नूं सता रहा है, तो वह सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब का। देखो, ये सीधी पॉलिटिक्स हुई है। दो साल हो गए ई डी वल्लों नरेंद्र मोदी के इशारे से वार बार समन भेजे जाते हैं, समन भेजे जाते हैं, तो नाल केजरीवाल साहब नूं ई डी के अधिकारियों वल्लों मैसेज भी दिए जाते हैं भी ये बीजेपी ज्वाइन कर लो। जिहड़ा केजरीवाल साहब नूं ये मोदी सरकार ने हाथ पाया ना, नजायज कार्रवाई की आ, इस नजायज कार्रवाई का खमियाजा जिहड़ा नरेंद्र मोदी नूं भुगतना पऊगा। कांग्रेस जिहड़ी उह खेरू खेरू हो गई आ, तो ही कांग्रेस के लीडर बीजेपी तुरे जाते हैं, तो नाल इन्हां दीआं कुंडियां, इन्हां दे काम जिहड़े काले किते पिछलियां समें दे विच, बीजेपी को हैगे डरदे बीजेपी तुरे जाते आ। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ साडे नाल मौजूद ने, सो जडियाला गुरु दे विच अज इन्हां दी अगवाई दे विच विशाल इकट्ठ इत्थे होया, सो हलका खडूर साहब दे उम्मीदवार जिहड़े लालजीत सिंह भुल्लर भी इत्थे इकट्ठ दे विच शामिल होए ने, सो बेमिसाल इकट्ठ आम आदमी पार्टी दे वर्करां दा इत्थे देखण नूं मिल रहा। साडे नाल मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ मौजूद ने, गलबात करदे आं। हाँ जी मंत्री साहब, लोक सभा चोणां दा बिगल वज चुका, सो कितना की तैयारी तुहाडी? देखो जी, लोक सभा चोणों का जिवें तुसीं दस्सिया बिगल वज चुका है और साडी पूरी तैयारी आ। अज असी खडूर साहब लोक सभा हलका जिहड़ा इहदे विच ही विधानसभा हलका जंडियाला गुरु पैंदा, जिथे मैनूं लोकां ने नुमाइंदगी करन दा सुभाग भी दिता है। सो अज असी इत्थे साडे उम्मीदवार कैबिनेट के वजीर सरदार लालजीत सिंह जी भुल्लर साहब, जिन्हां नूं पार्टी ने उम्मीदवार ऐलानिया खडूर साहब तो, वो इत्थे साडे विच आए ने और बड़ा वड्डा इकट्ठ लोकां दा जिहड़ा आ इह वेखण नूं मिलिया। साडे सारे ही वलंटीयर, साडे सारे ब्लॉक प्रधान, साडे जिन्ने भी वोटर सपोर्टर ने पार्टी दे, वो इत्थे पहुँचे ने और अज दा इकट्ठ यह साबित करता है कि जंडियाला हलका जिहड़ा आ, एंड ईवन खडूर साहब हलका जिहड़ा लोक सभा दा आ, यह पूरा लोक सभा दी चोणां वास्ते तैयार आ। असी बहुत वड्डे मार्जन दे नाल खडूर सभा हलके दी सीट जिहड़ी आ उह जित रहे हां। अच्छा, ई टी ओ साहब, जिहड़ी अपने केजरीवाल साहब दी जिहड़ी गिरफ्तारी होई आ, सो उह गिरफ्तारी नूं किवें देखदे तुसीं सर? देखो, ये सारी पोलिटिकल गेम आ, सियासी गेम आ। जिस केस दे विच उन्हां नूं गिरफ़्तार किया गया, वो दो साल पहला का केस चली जाता है, हज़ारा ही रेड पहला हो चुकिया ने। हुण मोदी नूं सिर्फ एक ही गल लग रही है, जदों चोणां अनाउंस हो चुकिया ने, तो जे अज डर कोई मोदी नूं सता रहा है, तो वह सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत थोड़े समय दे विच राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी आ, बड़े थोड़े समय दे विच दोनों स्टेटां दे विच सरकार बनाई आ, गोवा दे विच मैंबर साडे MLA जुत्ते ने, गुजरात दे विच जित्ते ने, हुण असीं हरियाणे दे विच वी अपने उम्मीदवार खड़े किए ने, आसाम दे विच वी किए ने। सो मोदी नूं ये लग रहा है कि जे अरविंद केजरीवाल नूं बाहर रहन दिता, तो जाके प्रचार करनगे और जिहड़ी BJP की हार होगी। सो बुखलाहट दे विच आके उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब नूं गिरफ़्तार किया। पर मैं इत्थे एक गल स्पष्ट करनी चाहुंदा कि ये जिहड़ी सियासी बदलाखोरी की नीति दे नाल अरविंद केजरीवाल साहब नूं गिरफ़्तार किया, इहदा बहुत वड्डी पद्धर ते लोकां ने विरोध किया और BJP नूं मोदी सरकार नूं आने वाली लोक सभा चोणां दे विच लोक जिहड़ा आ इहदा जवाब देणगे, मूँह तोड़वां जवाब देणगे। साडे नाल इत्थे कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, जिहड़े हलका खडूर साहिब दे उम्मीदवार ने, वह भी मौजूद ने, गलबात करदे आ। भुल्लर साहब, सो जडियाला गुरु हलके अज तुसीं पहुंचे जे, सो ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETU ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੇਡਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਉਹ ਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੇਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
घट तो घट 2-2.5 हज़ार तो वध ही होणगे जिहड़े इत्थे साडा केडर आया ते नाल इन्हां सारे साथियां ने प्रण लिया कि असीं जिहड़ी लोक सभा खडूर साहिब आ उह 9 दे 9 विधानसभा च हलकियां च मेहनत करांगे। बाकी जिहड़ा जंडियाला गुरु विधानसभा आ इहदे च असीं अगे 26 हज़ार टीटीओ साहिब नूं जिताया ही, इहनूं असीं 36 हज़ार करके लालजीत भुल्लर नूं इत्थों भेजांगे 36 हज़ार जंडियाला गुरु जिहड़ी विधानसभा उहदे तों। ते बाकी वी जिहड़ियां 8 विधानसभा ने उहनां दे विच वी वेखो अपणे वी रिश्तेदारियां भैण भरा पंजाब च हर जिले च हर पिंड च हुंदियां, उस तरह ही जिन्ने इत्थे भैण भरा आए आ सारियां दियां रिश्तेदारियां 9 दियां 9 विधानसभा दे विच आ। सारियां विधानसभा च इन्हां कहा भी असीं तुहाडे वास्ते मेहनत करांगे ते तुहानूं 1 नंबर ते पंजाब चों जिहड़ी सीट जितूगी आम आदमी पार्टी दी 1 नंबर दी लीड ते इत्थों लै के आवांगे। अच्छा भुल्लर साहब, आप गल कर लें जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी जी बड़ी ईमानदार मनी जाती, लेकिन जेडे ईडी वालों जरा केजरीवाल साहब गिरफ़्तार किया गया, तुम उन्होंने गिरफ़्तारी ने कैसे देखते? देखो ये सीधी पॉलिटिक्स हुई है, 2 साल हो गए ईडी वालों नरेंद्र मोदी के इशारे से वार बार समन भेजे जाते ही, समन भेजे जाते ही, तो नाल केजरीवाल साहब न ईडी के अधिकारियों वालों मैसेज भी दिए जाते हैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लो, नरेंद्र मोदी मिल लो, सारा हल हो जू। 2 साल बाद आके जदों लोग सभा वोटां आईयां, जदों साडे उम्मीदवार हर स्टेट के खड़े किए, इंडिया अलायंस होया, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भी खड़े किए आ, जदों मोदी नूं पता लगा भी जदों हुण केजरीवाल साहब ने प्रचार किया तो साडे सुपड़े साफ हो जाने आ, बीजेपी सरकार के सारे उम्मीदवार हर जाने आ, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जित जाने आ, मोदी साहब ने केजरीवाल साहब नूं अरैसट करा लिया। बाकी जिहड़ा अरैसट कराया उहदे नाल भी केजरीवाल साहब का कद वड्डा आ, निक्का नहीं होया। सियासत दे विच जिहड़ियां इहो जिहियां कैदां वा जां जेलां आ ये मैडल होंगे, ये गोल्ड मैडल आ केजरीवाल साहब वास्ते, ये वेखो तुम इतने तुम इतने मैं केजरीवाल साहब को बाहर आन दौ, जी लड़ाई है ना गाँव आने वाले समय से केजरीवाल वर्सस मोदी बन जानी आ, बाकी लीडर जोड़े वो पासे रह जाने, केजरीवाल साहब का एड्डा व्डा कद बन जाना आने वाले समय के भारत की किसी दिन सब तो वड्डी पार्टी जी आम आदमी पार्टी बनूगी, वेखो इतने तुम इतने मैं। अच्छा। जो केजरीवाल साहब न यह मोदी सरकार ने हाथ पाया ना नजायज़ कार्रवाई की आ, इस नजायज़ कार्रवाई का खमियाजा जरा नरेंद्र मोदी को भुगतना पेगा। अच्छा भुल्लर साहब, तुम पंजाब के किस पार्टी ने अपनी जी टक्कर मानते हैं? देखो टक्कर तो साड़ी किसी ना नहीं गई, परमात्मा कृपा करे, लोग काले ने अज ही वोटा पैण तो आम आदमी पार्टी के 13 दे 13 उम्मीदवार जोड़े वो जिता के घर भेजेंगे, पर फिर भी जिहड़ी इलैक्शन है उन्हूं लै सहजे च नहीं लैना चाहिए, सौखा नहीं लैना चाहिए, सानू मेहनत करनी पेगी, मेहनत करके ही अं जित सकते हैं। मैं आपके सारे वलंटियर साथियों आगुआ लीडर सारे बेनती करता कि दिन रात एक कर दौ, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिहड़ी एक सोच आ, जिहड़ी एक सेवा आ, लोगों की सेवा करती आम आदमी पार्टी, तो तगड़े होकर आपके जिहड़े जिहड़े उम्मीदवार आ, यह नहीं भी जिवें पिछलियां पार्टियां दे विच जिहड़ा MLA बन गया, मंत्री बन गया, जां मुख्यमंत्री बन गया, MP बन गया, तो मुड़ के 5 साल लभना नहीं, साडे ते MLA मंत्री साडे चेयरमैन लोगों की सेवा दे विच रहे, पिछले 2 साल सरकार हंडाई है। मैं आपकी भी गल करा, रात के 2-2 3-3 बजे तक बह के मैं लोगों के काम करता रहा, जे एक होर मैनू ये थोड़ा पता है भी पार्टी ने मैनू एड्डी वड्डी जिम्मेवारी ला देनी, MP की चोन लड़ा देनी है, तो अं तो वेखो जे मैनू यह होंगे भी आप हुण मंत्री बन गया 2027 के लागे बन्ने लोगों के चल जाएंगे, पर अं यही गल सोची भी 27 अं क्या भी लोगों ने सानू जिताया, बाबे नानक ने सानू एड्डी वड्डी सेवा दी, अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने, सानू लोगों के काम करने चाहिए आ, ना तो अं किसी ना गुस्सा किया, ना किसी ना गिला किया, भावें किसी वोट पाई भावें नहीं पाई, जिहड़ा लालजीत भुल्लर को आ गया, लालजीत भुल्लर ने जे वेख्या ना काम जैनुअन, मैं वह काम करता, मैं वह फोन अफसर लाता तो अगले का काम भी संवार, तो गांह भी इस तरह काम करते रहेंगे। अगे मेरी जिम्मेवारी ही आपके डिपार्टमेंटा की, जेडे मेरे को डिपार्टमेंट सन पंचायत ट्रांसपोर्ट ते नाल मेरे हल्के दी, हुण मेरे को जिम्मेवारी आ पूरे पंजाब दी, पंजाब दी कह लो, जदों हुण मैंबर पार्लीमेंट बनना ही पंजाब दी लड़ाई लड़ के आपदे हक जिहड़े आ सेंटर तों लैके आउणे आ, ते नाल आ जिहड़े 9 विधानसभा हल्के आ इन्हां दे MLA मंत्री ते साडे हैगे हैगे इह काम करनगे, नाल जे कोई किसे दा काम वेरू लालजीत भुल्लर उहनां भरावां दे काम करूगा, 9 दे 9 विधानसभा हल्के वाले इक ठोक के कह सकदे वी लालजीत भुल्लर साडा भरा आ, लालजीत भुल्लर साडा पुत आ, क्योंकि मैं जे अगे भी 2 साल सेवा कीती ना लोकां दा पुत ते भरा बन के कीती आ, ते गांह वी MP बणा गे, MP बन के भी लोगों के पुत ते भरा बन के लोगों के काम भी करांगे, लोगों के दुख सुख ते भी जावांगे। कांग्रेस दे MP रमनीत सिंह बिट्टू बीजेपी शामिल होए ने, उहदा मरे की कहना तुहाडा? वेखो ये उन्हां दा निजी मसला, कांग्रेस जिहड़ी आ खेरू खेरू हो गई आ, तो तां ही कांग्रेस दे लीडर बीजेपी जी तुरे जांदे आ, ते नाल इन्हां दीआं कुंडियां इन्हां दे काम जिहड़े काले कीते पिछलियां समयां दे विच उह बीजेपी को हैगे, डरदे बीजेपी जी तुरे जांदे आ। सो इह सन कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ते कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जिहड़े कि इत्थों
खडूर साहब तो आम आदमी पार्टी के लोग सभा हलका खडूर साहब के उम्मीदवार ने सो उन्होंने अपने नाल गलबात की सो उन्होंने जिथे विरोधियों के निशाने साधे ने नाल दी नाल उन्होंने इतने अपना लोग सभा हलका खडूर साहब की सीट पर जिहड़ा जित का दावा भी किया। जंडियाला गुरु तो कैमरामैन सोनू फतेहवाल नाल मान सिंह हमदर्द टीवी।